बटल राज। दाऊद राजा 40 वर्ष तक ले राज कैले, तब उ मर गइलन और उनकर बेटा सुलेमान इसराइल पर राज कैल शुरू कैलन। परमेश्वर सुलेमान से बात कैलन और उनसे पूछले कि तू सबसे अधिक का चाहत बाड़ा कि परमेश्वर ओकरी खातिर करें। सुलेमान परमेश्वर से मंगले, तू हमके बहुत बुद्धिमान बना द। ये बात से परमेश्वर बहुते खुश भइले। यही से परमेश्वर सुलेमान के दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी बना दिहले। सुलेमान बहुते बात के सिखले औरी उ एगो बुद्धिमान राजा रहले। परमेश्वर उनके बहुत अमीर बना दिहले। यरूशलेम के सुलेमान वो मंदिर के बनैले जेवना खातिर उनकर पिता योजना बनैले रहले और इस समान के इकट्ठा कैले रहले। अब वो लोग मिलाप वाला तंबू के छोड़ के मंदिर में परमेश्वर के आराधना करत रहले और ओकरे खातिर बलि चढ़ावत रहले। परमेश्वर आके मंदिर में वास करत रहले और वहाँ उ अपनी लोगन के साथ वास करत रहले। लेकिन सुलेमान दूसरी देश की लड़कियन से प्यार कैले। उ बहुते लगभग 1000 लड़कियन से ब्याह कह के परमेश्वर की आज्ञा के उल्लंघन कैले। एमे से बहुते लड़की लोग दूसरी देश से आईली और अपनी साथ अपनी देवता लोग के भी लेके आईली और ओकर उपासना करत रहनी। जब सुलेमान बूढ़ा हो गईले तो उहो भी उनकरी देवता लोग के उपासना कैले। एकरी वजह से परमेश्वर सुलेमान से नाराज रहले। उ कहले कि इसराइल देश के दुगो राज में बटला के खातिर उनके दंड दीहे। उ सुलेमान की मरला के बाद ऐसा ही करिहे। सुलेमान के मरला के बाद रहबाम राजा बनलन। इसराइल देश के सब लोग उनके अपन राजा के रूप में माने खातिर एक साथ इकट्ठा भइले। उ लोग रहबाम से शिकायत कैले कि सुलेमान उ लोग से बहुते कठिन मेहनत करावत रहले और बहुते सूद बियाज वसूलत रहले। उ लोग रहबाम से विनती कैले कि उ लोग से कम काम करावल जा। लेकिन रहबाम उ लोग के बहुते मूर्खता से जवाब दिहले कि तू लोग कहत बाड़ा जा कि हमार पिता सुलेमान तू लोग से बहुते मेहनत करवले ह, लेकिन हम तुहन लोग से ओसे अधिका कठिन काम करवाईब और हम तुहन लोग के ओसे अधिका पीड़ा देब। जब उ लोग उनसे ऐसन कहत सुनले त उ लोग में से कई लोग उनकरी विरोध में बलवा कैले। 10 गोत्र का लोग उनके छोड़ दिहले। ओकरी बाद केवल दुगो गोत्र बस बच गइल रहे। ये दुगो गोत्र अपना के यहूदा का राज कहले। बाकी के 10 गोत्र यारोबाम नाम के एगो आदमी के अपन राजा बना दिहले। ये गोत्र देश के उत्तर और ये पूरा भाग में रहे। वो लोग अपना के खुद के राज कहले। लेकिन यारोबाम परमेश्वर के विरुद्ध बलजोरी कैले और लोगन से पाप करैले। उ अपनी लोगन के द्वारा उपासना करे खातिर दुगो मूर्ति के बनौले। उ अब यहूदा के राज में यरूशलेम में परमेश्वर के मंदिर में उनकर उपासना करे खातिर ना गैले। यहूदा और इसराइल के राज के दुश्मन बन गैले और एक दूसरे के विरोध में लड़े लगले। इसराइल के नया राज में कुल राजा दुष्ट रहले। एमे से कई गो राजा उनकरी जगह पर राजा बनला की इच्छा रखे वाला दूसरी इसराइली लोगन के जरिए मार दीहल गईले। इसराइल राज का कुल राजा लोग और अधिका से अधिका लोग मूर्ति का पूजा कैले। जब उ लोग ऐसन कैले तो उ अक्सर वेश्या की
साथे सुथले और यहाँ तकले कि कई बार मूर्ति के आगे लैकन के बलि चढ़ौले। यहूदा राज का राजा दाऊद का पीढ़ी रहे। इ राजा लोग में से कई गो बढ़िया आदमी रहले जीवन की अच्छा से राज कैले और परमेश्वर का आराधना कैले, लेकिन यहूदा का अधिका से अधिका राजा दुष्ट रहले। उ लोग दुष्टता से राज कैले और मूर्ति का पूजा कैले। यहाँ तकले कि कुछ राजा लोग भी झूठे देवतन के आगे अपनी लैकन के बलि चढ़ा दिखले। यहूदा का ढेर भी लोग परमेश्वर के विरोध बलजोरी कैले और दूसरी देवता लोग के पूजा कैले। पहला राजा अध्याय 1 से 6 तक 11 से 12 तक से एगो बाइबिल का खिस्सा